दो लोग हैं, एक में से एक इंसान इस तरह का एम बनाता है और सेम काम कर रहा है, और दूसरा इंसान इस तरह का एम बनाता है और सेम काम कर रहा है, तो चांसेस ऑफ दिस पर्सन फर्स्ट वन गेटिंग मोर मनी मैनिफेस्टेशन इज वेरी वेरी हाई। सिंस लास्ट 14 इयर्स आई हैव बीन डिकोडिंग द मिस्ट्री ऑफ सिंबल्स लोगोस एंड ग्राफोलॉजी टू अनलीश द लाइफ बिजनेस एंड फाइनेंसेस। ध्यान से देखिएगा, हाउ मेनी ऑफ यू हैव दिस काइंड ऑफ एम? ओके, एंड हाउ मेनी ऑफ यू हैव दिस काइंड ऑफ एम? और ऑनेस्ट आंसर देगा, ये इसका नंबर वन देते हैं, नंबर टू। सो नंबर वन द पीपल हैविंग दी ओके, किरण जायसवाल, चन्नम्मा वन, नंबर थ्री। अरे नहीं, अभी तो हमने चेंज कर दिया ना, ये नया नया लिस्ट है। सो नंबर वन के बारे में, हु विल लाइक टू टॉक अबाउट नंबर वन? 10 लोग हैं आज, आज तो बहुत कंपटीशन है, किसको चांस नहीं मिला? चन्नम्मा, यस। यस सर। तो व्हाट विल यू टॉक अबाउट नंबर वन? अगर नंबर वन की बात करते हैं तो नंबर वन क्या दर्शाता है? लिसन, सर, दे लिसन टू अदर्स प्रॉब्लम्स। काउंसलिंग रॉन्ग। लिसनिंग की अगर बात करेंगे तो कहां से देखेगा वो? काउंसलिंग, करेक्ट वर्ड। सो दे या आर गुड, काउंसलर्स, दे आर गुड एट लिसनिंग टू अदर पीपल्स प्रॉब्लम्स, नो लिसनिंग। विल कम फ्रॉम विच लेटर? ई लिसनिंग, हाँ लूप ऑफ द ई करेक्ट। सो दिस पीपल आर गुड एट काउंसलिंग। नो, दिस पीपल आर नॉट गुड एट काउंसलिंग, दिस पीपल आर लाइक गुड दे एट अंडरस्टैंड अदर पीपल, करेक्ट अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल। अदर्स प्रॉब्लम। काउंसलिंग विल कम फ्रॉम लॉट ऑफ या अदर कैरेक्टरिस्टिक, वेदर ही इज एम्पैथेटिक, whether he's soft, whether he's generous, whether he's loving, those are also needed for you to be a good counselor. ठीक है, यस सर। here we will talk about these people are good at understanding somebody's else problem. तो दूसरे के प्रॉब्लम इनको बहुत समझते हैं, या इस वजह से ट्रू सर। they cannot be good at वसूली। क्यों? क्योंकि अगर वसूली करने जाएंगे, सामने वाला प्रॉब्लम बोलेगा तो ये वापस चले आएंगे, वो प्रॉब्लम समझेगा ना सामने वाले का। आर यू गेटिंग इट? दे विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम सर, ऑफ द अदर पर्सन, सो दे कैन नॉट बी एबल टू एक्ट हार्श विद द पीपल। या ऑल ऑफ ऑल द पीपल हु हैव दिस काइंड ऑफ एम, राइट? जनाब बराबर बोल लो ना आपके यस बारे में भी। सर। हाँ, सो दिस एम। और क्या, और कौन बताएगा? पुष्पजीत जी बोलिए। गुड सर गुड इवनिंग। इवनिंग। दिस पीपल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर पीपल वेरी इजीली एंड दे एम्पथाइज विद अदर पीपल एंड बट दे डोंट अंडरस्टैंड देयर ओन प्रॉब्लम्स। खुद के प्रॉब्लम उनको समझ में नहीं आते खुद के, बिकॉज द हाँ, एंगल इज मिसिंग इन देयर, वी शेप नहीं है, कर्व है। तो गिवन अ चॉइस पुष्पजीत जी, विल यू गो फॉर दिस काइंड ऑफ एम, वन और टू? वन को जाना चाहिए आपने, वन लेंगे या टू लेंगे आप? नहीं, मैं तो सेकंड जो है मैं वो निकलता हूँ। पर अगर गिवन अ चॉइस, विच विल यू प्रेफर, वन और टू? सर एज अ करियर मैं तो काउंसलर भी हूँ तो आई कैन यूज़ बोथ। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ना, हाउ मेनी ऑफ यू वुड गो फॉर वन एंड हाउ मेनी ऑफ यू वुड गो फॉर टू? जस्ट टाइप इन योर चॉइस, वन और टू, ऑल ऑफ यू, वन और टू, गिवन अ चॉइस। लॉट ऑफ पीपल सेड वन, टू, टू इज मोर पॉपुलर।
जब से मोदी जी आए गए नंबर दो काफी पॉपुलर हो गया है, 2000 का नोट, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं कि इसमें क्या है। जैसे हमने बात किया था फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी के बारे में, तो मेरा अनुभव क्या है, मैंने क्या देखा है कि ये लोग जो है ये लोग थोड़ा सा इजी पैसा कमाते हैं, इजी मनी, ठीक है। एंड दिस पीपल हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, देखो अभी है जैसे पेन चलेगा वैसे आएगा थोड़ा सा, ये हार्ड वर्क। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दिस नो अराउंड यू विथ यू, कि ऐसे लोगों को पैसा इजीली आता है, ऐसे लोगों को थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ता है, थोड़ा सा बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और इनके पास ही पैसा आता है लेकिन मेहनत करके आता है। जो इस पुष्पा जी आप ऐसा सेकंड वाला बनाते हो ना, यस सर, यस सर, तो यू ट्रू विल ट्रू, पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स, आप एफर्ट्स यस बहुत सर, डालो, बराबर है ना। हाँ ट्रू। और चन्नम्मा, चन्नम्मा का कहना है, चन्नम्मा यू यू राइट फर्स्ट टाइम राइट, सर आई डोंट टेक इजी मनी, सॉरी, लिसन, यू राइट फर्स्ट टाइम राइट, फर्स्ट या टाइम, सो यू माइट यस हैव सर, मोस्ट गॉट, ऑफ द टाइम्स इट कम्स लाइक दैट। हाँ, सो यू माइट हैव गॉट जॉब वेरी इजीली, हेल्प वेरी इजीली, नो इट नॉट ओनली आई हैव टू बी हैव मनी ऑल द टाइम, इट कैन बी, सी व्हेन यू आर इनटू जॉब यू विल नॉट हैव द मनी और यू विल नॉट गेट द मनी इजीली एज वेल। जॉब वाले लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे हम लोग, हम लोग ऐसे लोगों के बारे में सर, बात कर रहे हैं जो लोग जो है यू नो इट्स लाइक दिस एम, दिस इज माय ऑब्जर्वेशन, दिस एम हेल्प्स यू टू रीच टू योर टारगेट वेरी कंफर्टेबली मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। नो सर, आई मीन आई हैवंट कम अक्रॉस एनी दिस सिचुएशन सो फार। हाँ, तो देन देर माइट बी डिफरेंट काइंड ऑफ एटमोस्फियर इन योर अदर लेटर्स इन योर हैंडराइटिंग। इसका एडवोकेट क्यों मैं ओके ऐसा बता ओके रहा हूँ, ओके यू नो व्हाई, एज वी स्पोक इन द पास्ट एज वेल, द कर्व्स, द एम्पैथी, द सिंपैथी, द एबिलिटी टू लव विल ऑलवेज हेल्प यू टू हैव अबंडेंस इन योर लाइफ, एंड दिस एम एक्चुअली शोज योर एबिलिटी टू यू नो टू बी एबल टू अंडरस्टैंड अदर पीपल, सो टू बी फेमिनाइन इन नेचर। यहाँ पे ये इंसान बहुत कैलकुलेटिव हो जाता है, यहाँ पे देखो ये इंसान हो सकता है पैसे जमा नहीं कर पाए क्योंकि इमोशनल है ना, ये इमोशनल एम, फर्स्ट वाला जो है इमोशनल एम की बात करता है, तो यहाँ पे हो सकता है कि ये इंसान जो है वो जमा नहीं कर पाए, रख नहीं पाए, लेकिन दिस पर्सन मतलब बाकी सब बराबर है, तो व्हाट आई हैव सीन इज दिस दिस पीपल गेटिंग इजी 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 चांसेस ऑफ अर्निंग मनी। आई विल पुट दिस ऑब्जर्वेशन टू डिबेट, आई विल अनम्यूट यू ऑल, मेक श्योर दैट इफ यू आर नॉट स्पीकिंग डोंट एक्ट चाइल्डिश, पुट योर सेल्फ ऑन म्यूट, ओके। यस, आप में से किसी ने अनुभव किया है देखा है तो, या संगीता जी आपका फिर दोनों ट्रेड्स आपके लाइफ में आएंगे, कभी कभी आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, कभी इजीली आ जाएगा। अगर दो लोग है, एक एक में से एक इंसान इस तरह का एम बनाता है और सेम काम कर रहा है, और दूसरा इंसान इस तरह का एम बनाता है और सेम काम कर रहा है, तो चांसेस ऑफ दिस पर्सन फर्स्ट वन गेटिंग मोर मनी मैनिफेस्टेशन इज वेरी वेरी हाई। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दिस और एक्सपीरियंस दिस बाय एनी चांस, ऑल द पीपल हु डू फर्स्ट काइंड ऑफ एम, दिस इज द हाँ ऑब्जर्वेशन विच आई हैव which I had with lot of samples, and this is a point for debate. If you want to debate, we will have that debate. ठीक है। सो व्हाई जॉब, ओनली मनी, वी कैन से दे कैन गेट देयर वर्क डन इजीली, और हाँ भी जगह वो, इजी होगा। हाँ ऑफ कोर्स सी, यहाँ पे द पीपल हु आर इन जॉब प्लीज यू डोंट हैव एनी ऑप्शन अदर देन टू वर्क एंड गेट द मनी, दैट इज दैट कांट बी कंक्लूडेड ओवर हियर। I will always talk about the people who are into business because those are the people who have higher possibilities of making money. जब पैसे की बात करूंगा तो जॉब वाले के पास क्या चांस है, सवेरे 9 बजे जाओ, शाम को 6 बजे वापस आओ,
और उनका तनख्वाह जो है, जो इनकम है वो फिक्स रहेगी ना, वो दे कैन नॉट मल्टीप्लाइड राइट। सो इजी मनी की जब बात करूं तो वो ऑब्वियसली वो उनके लिए तो नहीं है, जॉब वालों के लिए तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। इनफैक्ट जॉब में इस तरह का एम, जॉब में इस तरह का एम हो सकता है सुसाइड हो जाए जॉब में, क्योंकि जॉब में मैंने देखा है कि इस तरह के एम वाले लोग जॉब में आर मोर बेटर देन दिस एम। व्हाई? बिकॉज दे आर कैलकुलेट, यू नो, उनको समझता है कि कितना क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। लेकिन बिजनेस में जो मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, मैंने कई सारे करोड़पतियों को इस तरह का एम को लेके चलते हुए देखा है।